हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है इस ब्यूटीफुल से पार्टी बियर हेयर बैंड का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है इस तरीके का हेयर बैंड, फिर लेना है ये रिबन। तो मैं आपको बता दूँ इसकी चौड़ाई कितनी है। देखिए, ये 1/2 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर, ये मैंने ये 26,000 लिया है। आप चाहें तो जो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इसको लगाएंगे ग्लू को, और ये हम रिबन लेंगे और इसको इस तरीके से ऐसा थोड़ा टाइट पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि शुरू में 6,000 एकदम नहीं सूखता है, थोड़ा सा सूखने में टाइम लेता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे उसके चारों तरफ यानी दोनों साइड में और ग्लू लगाएंगे और जो रिबन है वो चिपकाएंगे। मेरे पास 1/2 इंच का रिबन था तो मैंने वही यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास 1 इंच वाला रिबन हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, और अगर आपके पास रिबन ना हो तो आप किसी भी कपड़े की एक नॉर्मल स्ट्रिप सिल लीजिएगा, उससे भी आप इस तरीके से ऐसे रिबन टाइप का बना के उसको लगा लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, रिबन को इसके ऊपर अच्छे से रैप करेंगे। जब आप रिबन को हेयर बैंड के ऊपर रैप करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रिबन को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए आपको रैप करना है, ताकि उसका जो ब्लैक वाला एरिया है वो पूरा ना दिखे, नहीं तो थोड़ा लुक हमारा जो हेयर बैंड का है वो ख़राब हो जाता है। इस तरीके से मैं इसे फटाफट रैप कर लूँगी। अब हम एंड में आ गए, जो एक्स्ट्रा मेरे रिबन है उसे काट के अलग कर देंगे, एंड में ग्लू लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। आप एंड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो हमारे रिबन वगैरह है वो एंड से ही निकलना शुरू होते हैं, तो सफिशिएंट मात्रा में ग्लू लगा के आपको इसको चिपका लेना है। तो इस तरीके से मैंने पूरा चिपका लिया है, ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके के जो कुंदन आते हैं ना, आप देखिए ये लिए हैं मैंने, और जो इस तरीके का जो तार आता है ना हम वो लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हेयर बैंड में इतनी जगह छोड़ के, जो हमारे कान के पास आता है ना उस एरिया को छोड़, उतनी लंबाई का एरिया छोड़ के अब क्या करेंगे, इस तार को इस हेयर बैंड के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे। ठीक, आपको जस्ट सिंपल उसका एक दो राउंड लगाना है ताकि वो खुले ना। ठीक, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर उसे रैप कर लिया है। ये तार काफ़ी लंबा है तो मैं इसे काट के थोड़ा सा छोटा कर लूँगी, नहीं तो काम करते टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब हमने जो ये कुंदन लिए हैं ना, इसमें 4 होल होते हैं, तो आप किसी भी 2 होल में ऐसे इस तार में ऐसे डाल लीजिएगा। फिर देखिए, जैसे मैं लगा रही हूँ ना, सेम हेयर बैंड के ऊपर इस कुंदन को रख के और इस तरीके से ऐसे निकाल लीजिएगा। फिर आप दूसरा कुंदन डालेंगे, ठीक, और इस तरीके से बहुत आसानी से चले जाते हैं इसमें, और फिर इस तरीके से ऐसे लेके, और देखिए इस तरीके से हमने फिर रैप कर दी यानी उसके ऊपर लपेट दिया। तो देखिए इसका कुछ लुक ऐसे आएगा। अब मैं क्या करूँगी, एक साथ काफ़ी सारे कुंदन डाल लूँगी। मैंने यहाँ पे सिल्वर कुंदन का यूज़ किया है, आप चाहें तो गोल्डन भी कर सकते हैं। और ये जो कुंदन है वो जो दुकान आती है जिन पे लेस वगैरह मिलती है उस पे काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, और ये 30 रुपये के 100 आते हैं। और जो ये मैंने तार यूज़ किया है वो 10 रुपये का 12 तार आते हैं, और एक तार 1 मीटर के बराबर यानी लंबाई का होता है। तो आप देखिए, अब इसका एंड में इस तरीके से थोड़ा आपको घुमा लेना है ताकि हमारे कुंदन ना निकले। फिर जस्ट आपको इस तरह जैसे हमने पहले लगाए थे ना,
एक कुंदन हम इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, उसे हेयर बैंड के ऊपर इस तरीके से ऐसे रखेंगे। आपको इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ के लगाना है ताकि जो हमारे कुंदन है वो अपनी जगह पे बैठे और एकदम लाइन पे आए। तो इस तरीके से हम जो सारे कुंदन है उनको फटाफट लगा लेंगे इसके ऊपर। ये हेयर बैंड मार्केट में और मैंने ऑनलाइन देखा है 300 का मिल रहा है, पर जब हम इसे बनाते हैं तो ये हमें 50 रुपीज़ से भी कम का पड़ जाता है, और ये बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। देखिए इस तरीके से ऐसे ये मैंने लगा लिए हैं, हम सारे कुंदन लपेट लेंगे। अब जो देखिए आखिरी में हमारे पास लास्ट कुंदन बचा उसको लगा लिया, अब जो तार बचा था ना उसके ऊपर उसे लपेट दिया। तो देखिए इतना हेयर बैंड हमारा बन गया। अब हम नेक्स्ट तार का टुकड़ा लेंगे जो हमने पहले काटा था, जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे लपेट लेंगे। ठीक, आप ऐसे लगाइएगा ताकि उनके बीच में ज़्यादा गैप ना आए, ये तार काफ़ी पतला होता है तो ज़्यादा गैप जनरली आता नहीं है। मैंने इस तार का पीस इसलिए किया था क्योंकि जब हम एक साथ काम करते हैं और एक साथ सारे कुंदन उसमें डाल लेते हैं तो ना काम करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए आप भी ऐसा ही कीजिए, तार के छोटे छोटे से पीस कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा लेके उसे लगाते हुए चलिएगा। इस तरीके से मैं ये तार में कुंदन डाल लूँगी और पीछे आप ज़रूर उसमें एक छोटा सा होल सॉरी लूप जैसा बना दे ताकि वो निकले ना। इस तरीके से मैं फटाफट सारे जो कुंदन है इसके ऊपर लपेट लूँगी। इस तरीके से ये बन गया है। एक्स्ट्रा में जो तार है उसे काट के अलग कर देंगे। ठीक, ये देखिए ये अलग कर दिया। और जो नीचे वाला तार है ना उसको ऐसे लपेट देंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जो उसका एंड है ना वो ऊपर आए। तो ये हमारा प्रिटी सा हेयरबैंड बन के तैयार है। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।